में ऊपर आसमान नीचे बहुत अच्छा बहुत टेस्टी सो डू कम एंड विजिट हियर एंड हैव फूड डिनर। श्वेता ये क्या ढंग है रेनकोट पहन के फिर भी छतरी वाओ। अरे बाबा मेकअप आर्टिस्ट मेकअप आर्टिस्ट ये स्टार कैसा आ रहा है फोटो अच्छा आ रहा है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू बाय कृष्णा साहू। तो आज हम लोग जा रहे हैं एक फोर्ट है यहाँ पे जो स्टार शेप में दिखता है इन सकलेशपुरा। ट्राई टू शो यू एवरीथिंग ओवर हियर एंड आई होप इस वीडियो आपको अच्छा लगेगा सो लेट्स सी द वीडियो। तो अभी हम लोग रुके थे लंच के लिए फिर हम लोगों ने ट्राई किया ऑथेंटिक तो होता है ना साउथ इंडियन फूड। साउथ इंडियन फिश जो रहता है ढाबा स्टाइल का सो इट्स लाइक आई जस्ट लव इट। सो हम लोगों ने वैसे ही कुछ नॉर्मल ढाबे पे ट्राई किया फूड एंड द लोकेशन इज़ अप्रॉक्स लाइक आप लोग जब ये सकलेशपुर सिटी है सिटी के ऊपर ही था एंड दिस इज द प्लेस बाहर का मतलब अगर मैं जाती हूँ तो मुझे पसंद है इस टाइप का खाना खाना एंड आई मीठा भी होता बट फूड बस मस्ट ट्राई फॉर कमिंग हियर। इफ अ नॉन वेज लवर यू कैन ट्राई योर फिश लवर यू शुड ट्राई। छोटा छोटा ओके ये जो लोकेशन है इधर एक बस स्टॉप है जस्ट बस स्टॉप के बगल में है ये रेस्टोरेंट नॉट रेस्टोरेंट मैं बोलूँगी ढाबा बोलते मस्त है। हमने इतनी सारी खाई फिश अप्रॉक्स हम लोगों ने 5-6 खाया बहुत सारे आइटम खाए फिर भी प्राइस का अप्रॉक्स मैसूर कटला दो दे दीजिए। देखो ये लोग पॉलिथीन यूज नहीं कर रहे पेपर यूज। फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस बस स्टॉप इट्स अराउंड 5 किलोमीटर इनसाइड यू नीड टू गो द फोर्ट। सो इट्स लुक लाइक अ स्टार बिकॉज स्टार की तरह दिखता है सो आई एम गोइंग देयर। दिस इज द लोकेशन एंड यहाँ पे अगर यहाँ पे आई थिंक 5 से 6 महीना तो बारिश होता ही रहता है अगर यहाँ पे आते हो पर थोड़ा ऊपर वॉक करके जाना पड़ेगा। व्यू बॉस है आई लव दैट व्यू नेक्स्ट लेवल व्यू है। तो फ्रॉम हियर अप्रॉक्स 350 मीटर वॉक करना है और 350 मीटर वॉक करना है इनके साथ हमें नीचे पता चला कि वो 350 मीटर है और ये भी बताया है कि 250 मीटर वॉक कर सॉरी 250 स्टेप्स हमें चलना है। नाउ लेट्स सी मेनली आई एम एक्साइटेड अबाउट द व्यू। श्वेता ये क्या ढंग है रेनकोट पहन के फिर भी छतरी वाओ। अरे बाबा रेनकोट में पहने थे इसलिए क्योंकि सब आ रहे थे उसके बाद वो आया नहीं तो हाँ हमारे कुछ दोस्त तो आए ही नहीं तो खाना खा लिया और उनको चढ़ना नहीं है स्टेप्स तो वो लोग नहीं आए। व्हाट हैपेंड अरे चलो यार ये श्वेता ना हमेशा अपना फोन भूल ही जाती है कहीं पे भी रख के फोन कहाँ है फोन कहाँ है फोन। क्या आप में से कोई है जैसे ट्रिप में जाते हैं और फोन अपना कहीं फेंक देते हैं और पूछते हैं फोन कहाँ है फोन कहाँ है। शॉप भी है
बैंगलोर में तो कहीं पे भी जाओ बस धोखा ही धोखा मिलता है। चलो चलो, व्हाट हैपेंड? नीरज जी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, एंजॉयिंग। अभी हम लोग को, मेरे को कार में जाने से वोमिट वोमिट लगता है, उसी बहाने मैं घूमने आ गई, क्योंकि थोड़ा घूम लो ना, फ्रेश एयर ले लो। तो द रियल गेम स्टार्ट हियर, फ्रॉम हियर वी हैव टू लेगो 250 स्टेप्स, तो कुछ कन्नड़ में लिखा है। यहाँ से चढ़ के जाना है 256। चला जाए, एक व्यू के लिए इतना चढ़ना तो बनता ही है कि नहीं? क्या नजारा है, बारिश में ये नजारा नेक्स्ट लेवल है। इफ यू आर कमिंग मस्ट विजिट दिस प्लेस। ज्यादा भी बारिश में नहीं है, हम लोग कल ट्राई किए थे आने के लिए, बट अगेन बारिश बहुत थी, हम लोग नहीं आ सकते। तो सोचा अगर आए हैं घूम ही लेते हैं। और भी चढ़ना है, हमें अभी से हांफ रही हूँ। अरे बाबा कैसा लग रहा है बुनू? और नहीं होगा, चलो चलो चलो, वर्कआउट है बेटा, दो दिन जो ठूस के खाए हो थोड़ा तो बर्न करो। देख के झरना है, चारों तरफ पूरा जंगल ही जंगल। थोड़ा सा मुझे क्लियर रास्ता मिला, शूट नमस्ते। आज तो मैं ब्लॉगर लोगों को मान गई, जो भी ब्लॉगिंग करता है सही में बड़ी मेहनत लगती है, तो इसलिए किसी की भी आप वीडियो देख रहे हैं स्किप ना करें। ओह अरे मेरे, वाओ, मैं तो लोकेशन ही जस्ट बहुत ही अच्छा है। बस मैंने इमेज में देखा था, इट लुक लाइक अ स्टार फ्रॉम टॉप, आई डोंट नो कुछ इसमें देख पाऊंगी कि नहीं, बट ये पूरा एक शूटिंग प्लेस भी है, तो यहाँ की शूटिंग वगैरह यहाँ पे होता है। तो आई थिंक इसका गेट है एंट्री करने के लिए, लेट्स गो। मेरे दोस्तों के साथ पीछे रह के, ओके इसका एंट्री गेट है। चलो चलो, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को यहाँ का नाम लिख के क्या फ़ायदा होता है, बेफालतू का। बस हमारी अच्छी खासी दीवारों को ये लोग गंदे करते हैं। ओह छोटे केप्स है। आई नो आई डोंट नो मच अबाउट दिस प्लेस, आई कैन एक्सप्लेन मच, बट देख के तो लग रहा है कोई केप्स टाइप का। तो यहाँ पे फोटोशूट वगैरह होता है, तो अभी लिखा भी हुआ है 5000 पे करना पड़ता है।
लोकेशन भी वैसा हो रखा है, बहुत ही बढ़िया है। सबनों इतना सेफ चढ़ के कैसा लगा? मैं तो थक गई है ना। हाँ जी मैं तो थक गई। गुफा 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 नाइस, हैव अ फोटो शूट। सही में फोटो क्लिक कर रहा होगा, खतरनाक आ रहा होगा। व्यूज नाइस। सो नीरज जी आपको कैसा लगा ये फोर्ट? मस्त है। और थी है ना आई के हिसाब से और थी ना। ओ हाँ करेक्ट, इट्स इन अ स्टार शेप। ये देखो अब इधर से शायद पता ना चले, बट ऊपर जाके मैं आपको दिखाने का ट्राई करूँगी। तो चलिए जानते हैं कुछ हिस्ट्री मंजराबाद फोर्ट के बारे में। हिस्ट्री मुझे भी थोड़ा बोर लगता है, बट ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जानते हैं। मंजराबाद फोर्ट, जिसको स्टार फोर्ट भी कहा जाता है, ये बना था 1792 में एंड इसे बनाया था टिप्पू सुल्तान जी ने। इसका जो शेप है स्टार शेप में, इसीलिए बनाया गया था ताकि चारों तरफ से दुश्मन के ऊपर निगरानी रखा जाए। एंड इसे बनाने के लिए टिप्पू सुल्तान ने लिया था कुछ फ्रेंच इंजीनियर्स का हेल्प। एंड इसको बनाया गया था यूरोपियन स्टाइल में, स्टार शेप में, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है स्टार फोर्ट ऑल्सो। एंड इसका जो नेम है मंजराबाद, तो ये एक वर्ड से आया हुआ है मंजरा, मंजू, जो मंजरा वर्ड है वो आया था मंजू से। मंजू का मीन्स फॉग, जिसको कन्नड़ा में फॉग बोलते हैं, फॉग और मिस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग हो जाता था, तो इसलिए क्या करते थे ना, इसके बीच में भी आप देखेंगे एक स्टार शेप का छोटा सा कुआं जैसा है, उसके अंदर ये लोग गोला बारूद स्टोर करते थे, क्योंकि ये प्लेस काफ़ी ठंडा रहता था। एंड इसका सबसे बेस्ट खासियत ये है, इतनी बड़ी फोर्ट, इतनी सुंदर फोर्ट बनाई गई थी ओनली 24 आवर्स में। यस यू हर्ड इट राइट, ओनली 24 आवर्स में। सो चलिए कुछ डिटेल्स में आपको मैं दिखाती हूँ मंजराबाद फोर्ट। ये है वो मौत का कुआं जो मैं आपको जो बोल रही थी। मौत का कुआं नहीं, यहीं पे गोला बारूद स्टोर होता था। मैं ऊपर आसमान नीचे यहाँ से पूरा दिखता हुआ मजा आ रहा ना। क्यों होती है पता नहीं, हर जगह अपना नाम लिख देते हैं। क्या है किसलिए? ओह खूबिया रास्ता है ये। ओह माय गॉड, इसके अंदर आई थिंक यहाँ से नीचे जाने के लिए कुछ है, बट मैं नहीं जाऊंगी, बड़ा ही डरावना है। बस ब्रदर्स, बस बाबू शूट कर रहे हैं विद कैमरामैन श्वेता। सो कैमरामैन कैसा आ रहा है फोटो? अच्छा आ रहा है। और ये हमारे मेल मॉडल पोज देते हुए वापस छतरी लाए थे, बोल के रियली बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर आप सकलेशपुर आने की प्लान बना रहे हैं वीकेंड में, तो अपने साथ छतरी जरूर कैरी करें। जाने वाला
आई होप आपको ये जगह अच्छी लगेगी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लाइक आई कैन से ऑर्थिड, क्या करिए बनू ऑर्थिड था कि नहीं? या डेफिनेटली 250 स्टेप के चढ़ के आके कैलोरीज बर्न हुआ और रियली ऑर्थिड था बहुत सुंदर। मैं आई विल नॉट से इतना ज़्यादा वाव चढ़ा चढ़ा के मैं नहीं बोलूँगी, बट हाँ अगर यहाँ पे विजिट करो तो मस्त आना। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने आपको अच्छे से दिखाया है, बोर नहीं किया है। तो और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए जल्दी से हमारे चाहिए और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। लव यू ऑल, बाय।